हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद की घोषणा की है। इसको लेकर मंडियों में इस बार किस तरीके की व्यवस्था रहने वाली है, इसके जानकारी लेने के लिए एएनपी न्यूज ने हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से अहम बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। और क्या फसल की उम्मीद की जा रही है, इस दफा कैसी फसल आएगी, इस ये जानने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि गेहूं की खरीद की सरकार ने घोषणा की है 1 अप्रैल से होगी, किस तरह की तैयारियां मंडियों में जो हैं गेहूं की खरीद को लेकर की गई हैं। हर साल की तरह जो हम के अंदर ये पूल के लिए फसल खरीदते हैं FCI के लिए, वो 1 अप्रैल से हम खरीद शुरू करेंगे। पूरी व्यवस्थाएँ हमने कर दी हैं, हमारे विभाग जितने हैं सारे लगे हुए हैं इसमें, जो फूड सप्लाई है डिपार्टमेंट और जो FED है, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है या मंडी बोर्ड है, और किसान भाइयों के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। और उनकी जो साफ़ सफाई की व्यवस्था, ढुलाई की, बारदाने की, पानी की, ठहरने की, सब चीज़ें हमने कर रखी हैं और उनके सीधे खाते में हम पैसा देंगे। और 24 तारीख से हमने सरसों के लिए पर्चे की ऑर्डर किए थे, लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि बाज़ार में जो भाव है वो बहुत ऊंचा है। 5050 हमारा MSP का रेट है सरसों का, दक्षिण हरियाणा में सरसों होती है, तो 6000, 6500, 7000, 8000 रुपये तक के सरसों बिक रही है और इसकी मुझे बहुत खुशी है। कपास का भाव भी आज 10000-11000 रुपये क्विंटल का है। गेहूँ का भाव भी आज MSP से ऊपर बाज़ार में 200-300 रुपये ऊपर बिक रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार गेहूँ जो आमतौर पर 55-60 लाख मीट्रिक टन की प्रोक्योरमेंट होती है, तो किसान तेजी में होगा, इतना गेहूँ बेचने नहीं आएगा, उसको लगता है कि उसका बाज़ार में अच्छा भाव मिलेगा। और बतौर कृषि मंत्री मैं बहुत खुश हूँ, किसान को ऊँचा भाव मिले, ज़्यादा पैसा मिले और MSP से बेचने की उसको ज़रूरत ही ना पड़े। ये बताएं कि कोरोना काल के बाद इस समय क्योंकि स्थिति बेहतर है, किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मंडियों पर रहेगी, और क्या पहले की तरह जो टोकन से किसानों को दिए जाएंगे मंडियों में आने के लिए उनके दिन बांधने हैं या भी स्वतंत्र है सारा काम? नहीं, वो तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पोर्टल किसानों की सुविधा के लिए बना रखा है कि वो अपने आप डेट चढ़ा दें, अपनी डेट पर आ जाएँ और हर रोज़ मंडियाँ व्यवस्थित चलें। ऐसा ना हो कि 15 दिन की बजाय एक दिन में सारे किसान ले जाए तो उनकी लाइन लगती है, उन्हीं को दिक्कत होती है, और ये किसानों की सुविधा के लिए है। हम धीरे धीरे पोर्टल के माध्यम से ऐसा सिस्टम करना चाहते हैं कि भाई आपको आज हमारी मंडी में मान लीजिए 200 किसान की जगह है, तो 200 किसान को कह देंगे कि आप लेके आ जाइए और आधे घंटे घंटे में अपनी फसल डाल के जाइए, हम आपकी नपाई तुलाई करके आपके खाते में पैसा डाल देंगे। इस दफ़े गेहूँ की फसल कैसी हुई है? गेहूँ की, सरसों की फसल ऑल टाइम अच्छी रहेगी। किसानों को कुछ जगह को छोड़ के जहाँ पर बेमौसमी बारिश हुई थी, जहाँ जल भराव हो गया था, वो तो 1-2% क्षेत्र है। आमतौर पर फसल अच्छी है, मौसम की तुलना में ज़्यादा हुई है फसल। ये तो हमारा आकलन तो ये है कि पिछले वर्ष की ज़्यादा में सरसों भी ज़्यादा है, गेहूँ भी ज़्यादा है। एक ये जहाँ पर बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि और जल भराव की वजह थी, वहाँ पर मुआवजे की या गिरदावरी की घोषणा सरकार ने की थी, स्पेशल गिरदावरी भी करने की घोषणा की थी, वो अभी किस स्टेज में है, क्या उसकी रिपोर्ट आई है और जो हो चुकी थी क्या मुआवजा बढ़ना शुरू हो गया है? पिछले बार जो फसल थी कपास की, बाजरा की और मूंग की, उसकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए। गिरदावरी के आदेश ही नहीं दिए, उन्होंने 12,000 रुपये का जो मुआवजे का रेट था उसको भी बढ़ा करके 15,000 किया। उसका हम 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा भेज चुके हैं डिप्टी कमिश्नर को, किसानों के खाते में जा रहा है। और जो बीमा वाले किसान थे उनको भी 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बीमा कंपनियों से मुआवजा जो नुकसान का उनको मिल रहा है। और अब जो दोबारा ये फसल आई है गेहूँ की, इसकी स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर मुख्यमंत्री जी ने फिर किए थे, इसकी अभी आंकलन चल रहा है। ये इसका जो आंकलन करके कि जो आ जाएगा डिप्टी कमिश्नर से तो इसका भी मुआवजा देंगे। एक ये बताएं कि SYL की मांग हरियाणा की हमेशा रहती थी कि उसके हिस्से का पानी मिले, अब पंजाब और दिल्ली में सरकार एक है, एक ही पार्टी की सरकार है, अब आपका क्या मांग है? नहीं, हम तो एक खुशी है कि पंजाब में जो सरकार है वो उसकी पार्टी है आम आदमी पार्टी और हरियाणा के बेटे की पार्टी है, तो हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसानों को बड़ी उम्मीद हो गई है कि हमारी जो प्यासी धरती है दक्षिण हरियाणा की,
भिवानी, खासकर जिसके वो भिवानी जिले के रहने वाले हैं केजरीवाल जी, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, हिसार, फतेहाबाद, इस धरती को दशकों से जो उम्मीद थी इस वेल के पानी की, वो पानी जरूर देंगे और हरियाणा के किसान की तरफ भी वो कुछ ध्यान देंगे। वो जरूर है कि सभी को राजनीतिक इच्छाएं यहाँ पूर्ति नहीं हो रही, जो जहाँ जहाँ ज़्यादातर भगदड़ कांग्रेस में है, तो उसकी बजाय जनहित ऐसी काम करें और हमें एस वाइल का पानी दे दें, फिर जरूर हरियाणा के लोगों का आकर्षण उनकी तरफ हो सकता है। शुक्रिया। तो ये हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में इस समय पानी का संकट है, ना केवल सिंचाई के लिए बल्कि पीने के पानी की भी दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलकर पानी का संकट दूर करने की मांग रखेंगे। बहरहाल सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य में गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला लिया है और दलाल साहब ने बताया है कि मंडियों में इस खरीद को लेकर समूची व्यवस्था कर ली गई है। ANB न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।